अब देखो इसका शेप कैसे बनेगा। इसका शेप ऐसे बनता है, इसका शेप बनेगा कि जो टेट्राहेड्रल है, जैसे इसकी देखो ये टेट्राहेड्रल बना आपने, 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल शेप हो गया, और इसमें देखो हाइड्रोजन लगे हुए CH4, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एस होता है। देखो हाइड्रोजन में केवल 1s1 होता है, तो हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, 1 इसमें ओवरलैपिंग हो गई, हाइड्रोजन ये जाएगा 1, ये भी हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका CH4, यानी मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मीथेन में क्या होगा, देखो हाइड्रोजन में 1s ही होता है, तो 1s 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 1s, ये चारों तरफ को लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका, और ये कौन सी ज्योमेट्री होगी, दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये हम फोर्थ में पहुंच गए। अब तीन और हैं, देखो इसके बाद तीन और हैं, और उस तीन और के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, और दूसरा आपको उसमें कैसे करना है। इसके बाद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो शो नहीं होते हैं। रिटर्न रब कर दूं इसे। अब नेक्स्ट में आ जाओ। देखो पेज नंबर है 106, SP3D। SP3ND, तो इसे मैं हटा रहा हूं। अब इसमें एक और ऐड कर देना। अब एक और ऐड क्या होगा, देखो SP3 तक तो हो गया, P के तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक और ऑर्बिटल में चले जाएंगे जो है D वाला, तो SP3D, SP3D हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक S का पार्टिसिपेट करेगा, तीन P के पार्टिसिपेट करेंगे, PX PY एंड PZ, और उसके बाद D का एक करेगा, DZ2। ठीक है, कोई भी एक डी क्या करेगा यहाँ पे, तो डी में जनरली क्या है, DZ2 ले लो, या कोई भी एक ऑर्बिटल ले लो डी का। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इन सब का मिक्सचर। तो अब यहाँ पे थोड़ा डी का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसे शो नहीं कर पाते हैं। तो हम पहले ये लिखेंगे कि ये ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होंगे, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे देखो सेकेंड चीज हमने क्या बताया था, इसका एग्जाम्पल के थ्रू अब करते हैं हम लोग, सीधा एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे PCl5, ठीक है, PCl5 पे केस में क्या होगा, देखो अब P के और जो इसमें सेंट्रल एटम है वो P है, तो मैंने कहा P P में होता है 15, यानी कि नियोन 10 तक हो गया, उसके बाद 3s2 एंड 3p3। ये है आपका फॉस्फोरस, देखो 3s2 एंड 3p3, और यहाँ पे मैंने लिखा है PCl5, तो इसका मतलब क्या हुआ, S के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 एंड 3। अब खुद सोचो आप लोग, यहाँ Cl है, Cl के 5 एटम है और यहाँ पे 3 ही अनपेयर्ड है, और इसमें D में क्या होता है, देखो P3 के केस में D ऑर्बिटल भी होता है, तो हम यहाँ पे D ऑर्बिटल को भी शो करेंगे। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, डी अभी क्या है, यहाँ पे 3d इज एम्प्टी, ये है 3p और ये 3s। अब देखो मुझे 5 अनपेयर्ड 5 चाहिए, क्योंकि सीएल के 5 हैं और अनपेयर्ड यहाँ पे 3 ही हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा, यानी ये एनर्जी यहाँ से सप्लाई होगी और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर टू हायर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जम कर गया, तो एक ये हो गया, इसमें पी के 3 हो गए और डी में 1 हो गए, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एक। अब देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 5, 1 2 3 4 एंड 5।
तो पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए, और मेरे पास कितने एटम है यहाँ पे, Cl5। हांस पूछो क्या पूछना है आपने, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हमने सबको मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, इन्होंने अपनी एनर्जी को मिक्सअप किया, तो हर एक ऑर्बिटल में, हाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होते हैं। पहले ये जो पी है, पी के सारे ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, और मिक्सअप करने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें सबकी एनर्जी सेम होती है, 2s2 2p3। तो ये देखो 3s2 3p3 है और 3d का ऑर्बिटल इसमें खाली होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम कर गया। अब देखो कितने Cl है इसमें, 5 Cl है, तो एक Cl इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, 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 और एक Cl इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल क्या हुआ, एक एस का 3 p के और एक डी का पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, ये जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराओगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, डी पे चला जाएगा, जो खाली होगा उसी पे जाता है केवल, ये ध्यान रखना, जो खाली ऑर्बिटल होगा उसी पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ पे खाली कौन सा है, डी वाला, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डी पे जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक एस का और 3 p के और एक डी का पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उसमें हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3d, हर एक ऑर्बिटल का नाम सेम होगा, इसका नाम भी क्या होगा sp3d, इसका नाम भी क्या होगा sp3d, इसका भी sp3d, इसका भी sp3d, हर एक ऑर्बिटल का नाम अब सेम हो जाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी सेम हो गई है, शेप सेम हो चुका है और नेम भी सबके सेम हो गए, इसीलिए हम इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, और इस न्यू ऑर्बिटल का नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। जल्दी से लिख लो, फास्ट लिखते चले जाओ, फिर हम और एग्जांपल करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, तो जितनी स्पीड से आप लिखोगे ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगी चीजें। पहले अभी मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लिया, रिटर्न यस ओके। अब मैं हटाता हूं, देखो अब आपको यहां से कोरिलेट करना है किससे, इसको वेस्पर थ्योरी से कोरिलेट करना है। देखो यहां पे टोटल कितने हो गए, 3+1 4+1 5, 5 का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कभी भी आप ध्यान रखना, आप लोग इसका शॉर्टकट ट्रिक यही होता है कि टोटल इसके कितने हो गए, टोटल इज 5, 5 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बीच में आपने ए ले लिया सपोज करो, ट्राइगोनल, या पी ले लिया, ट्राइगोनल का मतलब एक सीएल ये हो गया, दूसरा सीएल ये हो गया, तीसरा सीएल ये हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ट्राइगोनल, और बाइपिरामिडल का मतलब एक ऊपर सीएल और एक नीचे सीएल, तो दिस इज कॉल्ड बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, क्योंकि 5 के केस में आपको पता है 5 का केस का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगा। आपको सिर्फ करना क्या, देखो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना दो बस, एक और ये टाइप का स्ट्रक्चर बना दो, दो एक टाइप का ये स्ट्रक्चर बना दो, तीन एक टाइप का ये बना दो, फोर और एक ये बना दो, फाइव। अब आप इसे इंटर कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, आप ऐसे इंटर कनेक्ट कर दोगे तो ये बन गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसमें तीन जो बॉन्ड होते हैं, तीन बॉन्ड होते हैं 120 के, और जो दो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 90 के। तीन बॉन्ड कौन कौन से, जो इसमें है ये नीचे वाले जो बॉन्ड है ये है आपके 120 के, और जो नीचे और ये ऊपर वाला बॉन्ड है दिस इज 90, तो दो 90 के बॉन्ड होंगे और तीन होते हैं 120 के, सेम चीजें जो हमने पहले बताई थी आपको, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और आप इसको अब इस तरीके से शो करोगे कि जब भी ऑर्बिटल कंबाइंड होगा तो इस तरीके से आ जाएगा,
सीएल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए वो डायरेक्ट उन्होंने अब सीएल सीएल दिखा दिया। अब मैंने जो पंखे बनाए थे उससे पंखे को मत बनाना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो बुक में क्या किया है, सिंप्लिसिटी के लिए, उसे सिंपल करने के लिए केवल सीएल 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 लिख दिया चारों तरफ। डन। sp3d वही स्ट्रक्चर है, देखो 3+1 4 और 5। 5 पे क्या बनता था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल क्या था, 3 एंगल 120 का एंड 2 एंगल 90, ठीक है। और इसका शेप ऐसे बने। हाइब्रिडाइजेशन में केवल हम उसको इसकी थ्रू दिखाते हैं, इस ऑर्बिटल के थ्रू शो करेंगे। डन। अब दो रह गए केवल, बस लिखो फास्ट, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं इसके। डन डनाडन डन। ओके, तो वी आर गोइंग टू रेडी स्टडी एंड गेट। तो यहां से मैं रैप कर रहा हूं, बुक में भी है, ठीक है, थोड़ा बेकार सा होगा बुक में, कोई बात नहीं, बना सकते हो आप उससे भी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, देखो sp3d2। हाँ सार्थ, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आपको एस परसेंटेज निकालनी होगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है सार्थ का। उसमें अगर आपको एस परसेंटेज परसेंटेज निकालनी है तो 20 आएगी, पी की कितनी हो जाएगी 60 और डी का 20। एस परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब देखो नेक्स्ट है इसमें sp3d2, इसका मतलब क्या हुआ, एक एस का पार्टिसिपेट करेगा, 3 p के पार्टिसिपेट करेंगे और 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एक s का 3 p के ऑर्बिटल और 2 d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp3d2। पहली चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। सेकंड हम इसके एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एग्जांपल में मैंने कहा sf6, सल्फर का s6, पहले से लिख लो, मैं इसको पूरा ऊपर से नीचे दिखाता हूं जल्दी से। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक s, नाम से पता चल रहा है, देखो sp3, एक s, p के 3 यानी p के 3 और d के 2 मतलब d2, ठीक है। अब देखो इसे शुरू से हम करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने sf6, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। sf6 का मैं आपको पूरा एग्जांपल बताता हूं कैसे होगा। sf6 के केस में देखो sf6, इसमें सल्फर को ले लो, सल्फर इज सेंट्रल एटम, ये होता है 16 मतलब नियोन, और नियोन के बाद 3s2 3p4, और इसमें 3d भी होगा जो खाली होगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखो ऑर्बिटल को शो करो, 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 एंड 4, और d आपका क्या होगा, खाली होगा, तो d आपने इस तरीके से दिखा 3d 3p और 3s। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये तो ग्राउंड स्टेट था। फर्स्ट का मतलब जब आप एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराओगे। अब देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारा गेम किसके बेस पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे। यहाँ पे मेरे पास 6 फ्लोरीन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल कितने हैं, 2, तो क्या होगा, 2 में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव होंगे। तो यहाँ पे देखो पहला इलेक्ट्रॉन कौन जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा डी के पास, तो उसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, तो 3p के वसी रहेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, तो इसमें जो 3p में, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितने हो गए, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी भी काम नहीं बन रहा है क्योंकि मुझे 6 चाहिए। अगर 4 होते जैसे मैंने कहा sf4, तो फिर मैं इसी में क्या करता, इसी में हाइब्रिडाइजेशन करवा देता, क्योंकि मुझे 4 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, sf6, यानी मुझे 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक और बार ज्यादा हीट दूंगा। ज्यादा हीट का मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से फिर जंप करेगा हायर, यही फायदा होता है हायर का, इसीलिए हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, या हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल।
परजेंस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खाली है, ऑर्बिटल खाली है, तो हम यहाँ पे जंप करवा सकते हैं। तो क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये गया, तीन इलेक्ट्रॉन ये गए, 1 2 3, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से इधर चला गया, तो इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए आपके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, एक ये, तीन ये और दो ये, यही तो नाम है इसका sp3d2। इसका नाम क्या था, sp3d2, यानी एक s का पार्टिसिपेट करेगा, तीन p के पार्टिसिपेट करेंगे और d के दो पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा था sp3d2। अब इसमें कौन से लगे हुए हैं, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन यहाँ इसके साथ कंबाइंड होगा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ, हर एक के साथ एक एक फ्लोरीन क्या करेगा, कंबाइंड करेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हर एक का, हाँ ये सब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये इसमें हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d2, हर एक ऑर्बिटल का नाम वही हो जाएगा जो उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम, जिसमें इस सबकी एनर्जी सेम होगी और सबका शेप भी सेम हो जाएगा और नाम भी सेम हो जाएगा, यही तो हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन किया मैंने यहां से, इसका नाम हो गया sp3d2, एक s का, तीन p के और d के दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसे जल्दी से बना लो, डन, वेरी गुड डिशा। और इसके अलावा जल्दी, अब देखो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री आपको पता है, देखो टोटल सिक्स हैं, सिक्स के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, सिक्स की ज्योमेट्री सबको पता है क्या होती है, सिक्स वाला, सिक्स जीरो की ज्योमेट्री, वेस्पर थ्योरी से याद करो आप लोग, सिक्स जीरो की ज्योमेट्री सबको पता होगी क्या होती है, जिसने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, 6-0 वाला, 6-0 की ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, दिस इज, हाँ वेरी गुड ईशा अदिति, बिल्कुल सही है, वही मैंने कहा था कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, पूरा कॉन्सेप्ट वेस्पर थ्योरी के बेस पे, इसका बनेगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा अनुजा, सही है, एस बीच में रखो, फ्लोरीन को ये दिखा दो, देखो फ्लोरीन ये हो गया, फ्लोरीन ये हो गया, फ्लोरीन ये हो गया, ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर दिखा दो, एक फ्लोरीन नीचे दिखा दो, बस आधे इधर आधे इधर, बाकी मेरे साथ। अब क्या होगा, देखो ये बन गया, अब आपको केवल क्या करना है, इसको ऐसे बॉक्स में दिखाना है, 1 इस तरीके से दिखा दो, 2 ये हाइब्रिडाइजेशन बन गया बस, 3 4 5 एंड 6, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, देखो जो आपने, मैंने कहा था जो वेस्पर थ्योरी में वही चीज बनानी है आपने, ये आप फूल टाइप के बना दोगे आप लोग, पंखे टाइप के, तो ये क्या होगा आपका, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, हाँ वेरी गुड ईसा। तो आज क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, पूरा सॉल्व करना है, इसकी ज्योमेट्री क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रल बन गया, एंगल क्या होगा इसका, एंगल इज बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, शेप आपको, ज्योमेट्री पता चल गई, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, देयर इज नो लोन पेयर, हाँ मनालीस में कोई भी लोन पेयर नहीं, लोन पेयर वाले अभी कराऊंगा आपको, लोन पेयर में यहाँ पे लोन पेयर दिखा देना आप लोग, एंगल 60 नहीं होगा, क्योंकि देखो चार प्लेन में है और एक ऊपर एक नीचे, चार ऐसे हैं, देखो प्लेन में चार प्लेन में है और एक, इसमें ऐसा नहीं है, इसको मैं फिर से बना के बताता हूँ आपको, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जो ओवरऑल, जैसे मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल है, तो जो चार होते हैं वो प्लेन में होते हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, जैसे ये हो गया, एक प्लेन में ये हो गया, दूसरा प्लेन में, तीसरा प्लेन में और चौथा प्लेन, ये चार एक प्लेन में हो गए इस तरीके से, ये एक प्लेन में हो गए चार, अब चार हो गए तो इन सबके बीच में 90 90 होगा, 90 90 90 90, अब
एक ऊपर की साइड होगा, जैसे ये चार ऐसे हो गए, एक ऊपर हो गया, एक ऊपर, ये देखो इस तरीके से, और एक नीचे की साइड हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये भी 90 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये 90 हो गया। तो एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड, इसीलिए सारा एंगल कितने का होता है, 6 के 6 एंगल होते हैं 90 डिग्री के। क्लियर है? ओके, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम sp3d3 का। ठीक है, लास्ट में आ गए हम sp3d3। अब देखो मैं आपको बोर्ड लेवल में भी बताता हूँ, सॉरी कॉम्पिटेटिव में भी बताता हूँ कौन सा इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट में आ गए हम लोग sp3d3। एक जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको आसान लगेगा, स्टार्टिंग में दिक्कत क्यों आती, क्योंकि हमने पहली पहली बार देखा होता है। ठीक है, फिर आप दूसरी दूसरी बार देख लेते, फिर आप तीसरी तीसरी बार देख लेते, तो क्या होता है फिर आपको लगता है अरे तो मैंने अभी देखा था। 1s, फिर 3pk और 3dk पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें सेम है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, 1s का होगा, 3pk होंगे, 3dk होंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम sp3d3। एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, देखो IF7, आयोडीन का F7। आयोडीन क्या आपको पता है लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ 7 होते हैं, Na2, Sk2 और Pk5। ठीक है, Na2, नहीं, इससे सही था पहले आपका, Na, S में 2 होते हैं और P में 5 होते हैं। ठीक है, यानी टोटल 7 हो गए। अब मैं इसे शो करके दिखाता हूं आपको, देखो आयोडीन के लास्ट में होते हैं 7, तो ये 1, S में 2 हो गए और P में 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें D खाली होता है, ये D है जो D इज एम्प्टी, तभी तो D का रोल है, हम कहते हैं अब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें D काम ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, D ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने लिखा है 6s हो गया, 6p हो गया, 6d हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कितने फ्लोरीन लगे हुए हैं, 7 फ्लोरीन, यानी मुझे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा पहले, देखो इसके पास है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा डी के पास चले जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो कैसे हुआ, देखो 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहां से डी के पास चला गया। अब डी के पास चले जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 का हम इसमें कंपाउंड बना सकते हैं, देखो अगर ये कंपाउंड बनाना होगा मुझे तो मैं क्या बनाऊंगा, ICl3। ICl3 क्योंकि Cl के 3 है, तो वो 3 इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा, ICl3। और इसमें लोन पेयर रहता, देखो 2 लोन पेयर रह जाते थे, 2 लोन पेयर होते थे और तीनों के साथ बॉन्डिंग हो जाती थी, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, IF7 का। तो फिर मैं क्या कराऊंगा, और एनर्जी दूंगा इसे, और एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां जंप कर जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मुझे चाहिए उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया, तो कितने हो गए अब हमारे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। 5 का मतलब यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो ये बनेगा ICl5। ICl5 यहाँ बन सकता है क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 लोन पेयर हो गया, जो हम कई बार प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने बॉन्ड पेयर इतने लोन पेयर, तो ये शो करके भी दिखाता है देखो कि हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 1 लोन पेयर बच जाएगा, वो कौन सा होगा, ICl5। अगर मैंने कहा ICl3 मतलब 2 लोन पेयर हो गए और 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी अनपेयर्ड है वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे और जो पेयरिंग है वो लोन पेयर बनता है, लेकिन मुझे चाहिए 7, तो 7 के लिए मैंने और ज्यादा एनर्जी देनी है। अब बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जम करके लास्ट में पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3,
और यहां पे भी कितने हो गए, डी में भी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3। तो देखो, हाँ वेरी गुड सर, सही कहा है। तो इसमें देखो एक एस का, तीन पी के और तीन डी के हो, तो ये किस अब क्या बन सकता है, ये आई एफ सेवन बन सकता है। इसे जल्दी जल्दी बना लो एक बार, ऑल और हाँ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो और इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसमें मैं ये नहीं बना सकता, मैं फोर इसकी वैलेंसी नहीं होती है, देखो इसमें फोर नहीं बनेगा कभी भी, या सिक्स नहीं बनेगा, ध्यान रखना आई के केस में फोर कभी नहीं होता, सिक्स कभी नहीं होता, टू कभी नहीं होता, इन नेवर इन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसके पास चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या तो फिर या तो वन है, या फिर थ्री है, या फिर फाइव है, या फिर सेवन। इसीलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये तो वन होती है, या थ्री होती है, या फाइव होती है, या सेवन होती है। इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं दोबारा, तो ये बहुत रिपीटेड होते जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इसे जल्दी से बना लो, डन डन, ओके डन, वेरी गुड ईशा मनाली। अब हम इसको हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, विदुला वेरी गुड। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे इसके बाद, आपको मैं बता भी दूंगा, देखो वेस्पर थ्योरी के जैसा ही है पूरा, ठीक है। अब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो क्या करोगे, देखो जैसे मैंने कहा आयोडीन ले लिया, आयोडीन का थर्ड एक्साइटेड स्टेट ले लिया, इसमें देखो एक एस का एक ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो 6s हो गया, इसके बाद ये p है, p में तीन ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, और फिर d आता है जिसमें पांच ऑर्बिटल होते हैं, d के पांच ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मेरे पास सेवन फ्लोरीन है, तो सेवन फ्लोरीन क्या होगा, एक इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और एक इसके साथ। अब सबके नेम सेम हो जाएंगे, मैंने आपको कहा था नाम सबके सेम होंगे, इसका क्या होगा sp3d3 sp3d3, ऐसे हर एक के केस में क्या होगा sp3d3। अब p का तीन से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि p के पास तीन ही ऑर्बिटल है, s एक से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि s का एक ही ऑर्बिटल, और d के पांच तक हो सकते हैं लेकिन आपके कोर्स में केवल तीन तक ही है, तो ये हो गया sp3d3, सब में यही हो जाएगा नाम, ठीक है। तो ये आप इसको क्या करोगे, ऐसे अंडरलाइन करके बताओगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, यानी अब ये कौन सा कंपाउंड बन चुका है, IF7 का, ये IF7 बन चुका है। तो IF7 की ज्योमेट्री क्या होती है, सबको पता है 70 का, 70 किसी को पता है, 70 में कौन सा शेप बनता है, 70 में कौन सा शेप बनेगा, विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी से सेवन जीरो में कौन सा बनता है, 70 में बनता है, हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, ईशा बिल्कुल सही है, अद्वैत बिल्कुल सही है, देखो इसीलिए मैंने कहा था कि उससे कोलेट है, अनुजा आदित्य बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाई पिरामिडल, सेम है कॉन्सेप्ट, कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा इसने अपना तरीका अलग बताया कि देखो ऐसे बना सकते हैं हमसे, इसका तरीका रिप्रेजेंट करने का अलग था और वेस्पर थ्योरी का अलग था, लेकिन जो दोनों के कंक्लूजन पॉइंट थे दोनों के सेम, ठीक है, कंक्लूजन पॉइंट दोनों के सेम। और इसमें एंगल कितने का होता है, एंगल होता है, एंगल जो पांच ऑर्बिटल होते हैं उसका एंगल, हाँ ईशा बिल्कुल सही है, 72, और जो दो होते हैं उसका कितना होता है, 5 का 72, और 2 के जो बचते हैं 90 का, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, देखो इसमें 70 का क्या बनेगा, देखो अब मैं रब कर रहा हूं इसे, 70 का क्या बनेगा, 70 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल, आप इसका स्ट्रक्चर बना दो और इसको किसके थ्रू दिखा दो, देखो ये पेंटागोनल का मैंने आपको पहले ही बताया था, आई को बीच में रखो, पेंटागोनल का मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से दिखा दो, 5 साइड कैसे भी दिखा दो आप, यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल। ठीक है, ये पेंटागोनल बन गया आपका। तो इसमें हर एक का एंगल 72 का होगा। अब एक ऊपर की साइड चला गया, एक नीचे की साइड चला गया, दिस इज कॉल्ड बाईपिरामिडल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे इसको ऐसे ऑर्बिटल के थ्रू दिखा दो, बस हर एक को इस तरीके से ऑर्बिटल के थ्रू दिखा दोगे तो यही क्या बन जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। बस ये फ्लोरीन हो गया और यहाँ पे भी इसमें फ्लोरीन हो, तो दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाईपिरामिडल। देखो रिपीट हो गया, पहले भी मैंने आपको बताया था वेस्पर थ्योरी में और अब भी आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, सेम है, कोई मैंने पहले ही बताया था कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ एक बार, सबके पास अगर मॉड्यूल होगा तो देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं, उससे आपको क्लियर होगा। इसके जेई मेंस में भी कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखो डायरेक्ट हम मेंस के क्वेश्चन पे देखते हैं पहले, मेंस और फिर नीट के। ठीक है, तो जल्दी से बना दो और मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं। पेज नंबर 3000 नहीं है, ठीक है, पेज नंबर इज 148 में आ जाओ पहले, 148 का फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ टिक लगा लो आप लोग, 148 पेज में देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये आपको करके बताना है मुझे, सिक्स क्वेश्चन, फोर सिक्स, उसके बाद 149 पेज में आ जाओ, 149 में देखो 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको आज होमवर्क है आपका, मुझे बताओगे आप लोग। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन देखो जेई मेन से पूछे हुए हैं। अब नीट के लिए आ जाओ, देखो नीट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इससे नीट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 नीट के एक्सरसाइज 4 है देखो, 147 पेज, 148 में आपको मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6, 148 का जेई मेंस में देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6, और पेज नंबर 49 में मैंने आपको बताया था 49 में 11 क्वेश्चन, 11 के बाद 15 क्वेश्चन, नहीं एक मिनट हाँ, 11 के बाद 16 क्वेश्चन, 16 के बाद है, अब नीट लेवल पे आ जाओ, नीट पे, नीट में हम करेंगे, नीट क्या मतलब पेज नंबर 147, हाँ 18 सही का आप लोगों ने, 15 16 18 सही है। अब देखो 147 पेज में, 147 पेज में आ जाओ, 147 में फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद फोर के बाद सिक्स के बाद 7, इतने सारे क्वेश्चन देखो, आप लोग खुद ही देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने क्या आपको बताया, 1 3 4 6 7 8, पेज नंबर 148 पे आ जाओ, फिर 8 क्वेश्चन नीट का, 8 के बाद फिर 8 के बाद 10 के बाद 11 के बाद आ जाओ 14, 11 के बाद 14 के बाद आ जाओ 18 को छोड़ दो, सॉरी 14 के बाद आ जाओ, बस 14 के बाद देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं स्ट्रक्चर के बेस। मैंने आपको पहले भी बोला था, हाँ 8 के बाद 9, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर, 8 के बाद हर हमेशा 9 आता है। अच्छा, पर इसमें देखो क्वेश्चन में बता देता हूं मैं, 8 के बाद है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है आपके पास 10, 8 के बाद 10 फिर 11,
इलेवन के बाद है आपके पास फोर्टीन, फोर्टीन के बाद एटीन, एटीन, अच्छा एटीन को छोड़ दो अभी, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन देखो नीट में और इतने सारे क्वेश्चन जे डबल ई में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इनसे, आप खुद ही सोच सकते हो। एक और थ्योरी इसमें एमओटी थ्योरी है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन जे डबल ई और जे मेंस में, ये तो कम दिए हुए हैं आपको, मैं ओवरऑल दूंगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे हुए हैं शेप के बेस पे, मैंने कहा हर साल पूछा होता, ठीक है। तो 2 मिनट में ऑफ हो रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन केवल नीट और जे डबल ई के पूछे हुए मुझे आंसर दे दे, बहुत आसान से क्वेश्चन है, टफ नहीं है कुछ भी, आप एक बार कोशिश करो तो आप आंसर मुझे दे दो, ठीक है। तो हम कल डिस्कस करते हैं जहां पे इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ करने जा रहा हूँ, कल हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और कल आपका मेन पोर्शन होगा एमओटी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग होता है एमओटी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ, बाय बाय सार्थ, बाय एवरीवन, बाय अद्वैत, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव के लिए भी ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाय ईशा एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।